बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला अब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने इस अजीब तरह से मुश्किल फैसले सुलझाए। वीरू, चल सिक्का घुमाते हैं। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही ऐलान किया कि जब वे 14 मार्च 2018 के दिन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला सुनेंगे। हम इस मामले को जमीनी विवाद के रूप से देखेंगे। जिस वक्त भारत को आजादी मिली उस वक्त उन्होंने ये भी फैसला किया, आज के दिन से जो आज मंदिर है वो मंदिर बने रहेंगे और जो आज मस्जिद है वो मस्जिद ही बने रहेंगे। लेकिन ये जगह कम से कम 1856 से विवाद में है, जब नीदरलैंड के मानव विज्ञानी पीटर वैन डरवीर, भगवान अवश्य मुक्त होना चाहिए, अयोध्या में हिंदुओं का मुक्ति आंदोलन, फरवरी 1856, जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया तो उन्होंने 1861 में बुबुर मस्जिद के चारों ओर बाधा लगाने का फैसला किया ताकि मुसलमान मस्जिद में इबादत कर सके, जबकि हिंदुओं को इमारत के बाहर एक मंच पर पूजा करने के लिए मजबूर किया। 1883 में पहले मांगे शुरू हुई, ब्रिटिश सरकार को हमें राम मंदिर बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ये इमारत आजादी के बाद भी विवाद में रही, इसलिए 22 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के अंदर रामलला की प्रतिमा को रहस्यमय ढंग से बिठाया गया। जब मुसलमानों की तरफ से हाशिम अंसारी और हिंदुओं की तरफ से महंत परमहंस रामचंद्र ने 1949 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो न्यायाधीश एन चड्डा ने आदेश दिया, विवाद की जगह से मूर्ति ना हटाई जाए, ना ही सालाना पूजा में हस्तक्षेप हो। जबकि मुसलमानों को किसी अन्य मस्जिद में इबादत करने के लिए कहा गया, पूजा और दर्शन करने की अनुमति केवल स्थानीय पुजारियों को दी गई, वो भी साल में सिर्फ एक बार। सामान्य तौर से जगह बंद कर दी गई। 36 साल बाद फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश के एम पांडे ने बाबरी मस्जिद को खोलने का आदेश दिया। दरवाजे खुलने से कोई आसमान नहीं टूट गिरेगा। लेकिन ताले तब खोले गए जब तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुस्लिम महिलाओं के रख रखाव पर सर्वोच्च न्यायालय के एक अहम फैसले को खारिज किया, जिससे VHP ने उन पर दबाव डाला। अपने ही निर्माण की वजह से जब वो एक कोने में पकड़े गए तब वहां से निकलने के लिए उन्होंने एक और वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की। मैंने शाहबानों का फैसला मुसलमानों के लिए बदला, अब मुझे कुछ हिंदुओं के लिए भी करना होगा। गिनती में ही दो जुड़कर सही बनते हैं। इस निर्णय ने एक ऐसी भयानक शक्ति को खोला जिसने आखिर में जाकर पूरे ढांचे को ही गिरा दिया। 2010 में जब मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंचा, तब तीन प्रमुख विवादी थे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिन्होंने 1950 में दायर किया, निर्मोही अखाड़ा जिन्होंने 1956 में दायर किया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जिन्होंने 1961 में दायर किया। 2-1 की बहुमत के फैसले से 2.77 एकड़ जमीन को तीन हिस्सों में बांटा गया। मुख्य गुंबद जिसमें राम लल्ला की मूर्ति थी वो हिंदू महासभा को दिया गया, राम चबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा को और बाकी भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को। फिर क्यों ये 8000 पृष्ठ का फैसला? जब किसी के भी मम्मी पापा ये निर्णय कर सकते थे। इस मुद्दे की शांतिपूर्वक हल की कोशिश में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने विभिन्न दलों से मुलाकात की। समाधान जो कभी असंभव लगता है, हमारे युवा और नेता इसे संभव बना सकते हैं। उनके प्रयासों का कुछ प्रभाव पड़ा जब वरिष्ठ AIMPL नेता हुसैन नदवी ने कहा, हनबली इस्लामिक सोच के अनुसार मस्जिद का स्थान बदलने में कोई रोक नहीं। इस्लामिक शरिया में 5 प्रमुख स्कूल हैं। भारत में ज्यादातर हनबली नहीं बल्कि हनफी सोच का पालन किया जाता है। हनफी, मालिकी, शाफी, हनबली, सब सुन्नी और जाफरी शिया। तो क्या इस समाधान कारक दृष्टिकोण के लिए उन्हें शाबाशी दी गई? क्या समझ के सुलेगी कि संगठन बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? नदवी को अखिल भारतीय मुस्लिम लॉ बोर्ड से निष्कासित कर दिया गया। अल अजहर विद्वान और 40 मुस्लिम छात्र संगठन के पूर्व अधिकारी ने नकवी का साथ दिया। उनका सुझाव तर्कसंगत है। शिया वक्फ बोर्ड ने भी सर्वोच्च न्यायालय में मस्जिद का स्थान बदलने का लिखित समर्थन दिया। हमें बाबरी को अपने हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए, भले ही हम कचहरी में जीत जाएं।
मामले की मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, अशोक भूषण और एस अब्दुल नाजर सुनवाई करेंगे। हिंदू मुस्लिम शादी करते हैं, व्यापारिक साझेदारी करते हैं और सबसे अजीज दोस्त भी होते हैं, तो धार्मिक नेताओं से ये जिद क्यों? अब ये अहंकार और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। शायद ही ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा रहा। दोनों पक्षों के जिद्दी धार्मिक प्रमुख भारत के भविष्य पर चिंगारी फेंक रहे हैं। बिस्बो की शायरी, मंदिर मस्जिद की तकरार, छोड़ो ये बातें बेकार। एक खुदा के बंदे हम सब, सबके ऊपर एक ही है रब। खुदा कहो या बोलो राम, उसके ही है सारे नाम। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।